की गई है। नंदू पासवान, जमुना चौहान और आशीष यादव समेत 28 आरोपी इसमें शामिल, जिनके नाम पर इस वक्त FIR, हथियार और पेट्रोल लेकर ये पहुंचे थे हमलावर। जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। अपराधियों ने कई राउंड फायरिंग भी की। 35 लोगों का घर समेत पूरा सामान जला दिया गया। 15 नामजद की गिरफ्तारी भी इस मामले में अब तक की जा चुकी है। तो एक्शन में पुलिस इस वक्त 28 लोगों के खिलाफ पुलिस की तरफ से जब FIR दर्ज होने के बाद कार्रवाई की गई है। इनमें गिरफ्तार होने वाले लोगों के 15 लोगों के नाम सामने हैं, जिसमें आशीष यादव समेत 23 से लेकर 28 आरोपी जो है वो बताए जा रहे हैं। हथियार और पेट्रोल लेकर ये सभी के सभी हमलावर यहां पर पहुंचे थे और कार्रवाई की जो इस वक्त शुरुआत हुई है। कहा जा रहा है कि जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल इन लोगों की तरफ से किया गया और ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग की गई। मुख्य आरोपी नंदू पासवान गिरफ्तार कर लिया गया है। रिटायर्ड पुलिस कर्मी है नंदू पासवान, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। 2014 में ये रिटायर हुआ था और अब इस मामले में इसकी गिरफ्तारी की गई है। आरोपी का बेटा वार्ड पार्षद है। और देखिए, आपको हम उस शख्स जो कि इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड कहा जाए एक तरीके से, नंदू पासवान ये है वो मुख्य आरोपी। और माना यह जा रहा है कि इस शख्स को लेकर भी, इसका बेटा जो है वो वार्ड पार्षद है, बहु आंगनबाड़ी सेविका है। 4 डिसमिल जमीन पर आरोपी का दावा, जो ये आरोपी है 4 डिसमिल जमीन पर इसका दावा था। 2014 में ये रिटायर होता है और कैसे कानून को ठेंगा दिखाते हुए कानून को हाथ में खुद ले लिया जाता है, जबकि बहु आंगनबाड़ी सेविका है। और अब जरा ये भी जानिए कि FIR जो किया गया है, इस FIR में आखिर क्या कुछ है, क्योंकि इस FIR पे बहुत कुछ निर्भर भी करता है। कृष्णानगर में सरकारी जमीन पर 60 परिवार जो हैं वो इस वक्त रह रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाइए, जब कार्रवाई की शुरुआत हुई है 2015 से झोपड़ी नुमा घर बनाकर यहाँ पर ये पूरा परिवार जो है वो रह रहा था, जिनके ऊपर एक तरीके से कहीं ना कहीं प्रहार किया गया है। जमीन को लेकर नंदू पासवान से ये विवाद जो है वो चल रहा था सालों से। मुंसिफ कोर्ट नवादा में ये मामला जो है वो लंबित, और इसी मामले को लेकर बताया जा रहा है कि 4 डिसमिल जमीन पर आरोपी का जो दावा है वो सीधे तौर पर साफ तौर पर नजर आता है। और अब जरा देख लीजिए, हथियार से लैस लोगों ने यहां पर गोलियों की बौछार कर दी। ये ताबड़तोड़ कई राउंड गोलीबारी की जाती है। कई लोगों के हाथ में पेट्रोल से भरा हुआ गैलन था, जो इसके साथ, यानी मकसद क्या था, कोशिश इनकी क्या थी, वो साफ जाहिर है। गांव के सभी लोग यहां से जान बचाकर भागते हुए नजर आए, क्योंकि वहां पर इन लोगों ने सीधे तौर पर पेट्रोल का इस्तेमाल किया। कई राउंड फायरिंग की जाती है, सभी घरों में तोड़फोड़ की गई और पेट्रोल डाला गया। सीधे तौर पर यहां पर इन सभी को मारने की कोशिश की गई है। हालांकि पुलिस की तरफ से क्या कुछ आधिकारिक बयान आया है वो भी हम आपको बताएंगे। पूरा गांव धू धू कर जल उठता है। कार्रवाई की शुरुआत है पुलिस की तरफ से इस वक्त कर दी जा चुकी है। पुलिस का आधिकारिक बयान, जिसकी हम चर्चा भी कर रहे हैं, अब पुलिस के आधिकारिक बयान को भी जान लीजिए कि पुलिस का क्या आधिकारिक बयान है वो हम आपको बताने वाले हैं। 18 सितंबर की शाम की घटना, और इस घटना के बाद से अब कई तरह के सवाल भी शुरू हो चुके हैं। सियासत तो शुरू हो ही गई है, जो हर बार किसी न किसी वजह से शुरू हो ही जाती है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 4 डिसमिल जमीन को लेकर जो ये पूरी की पूरी घटना और इस साजिश को रचा गया, उसमें आधिकारिक बयान क्या कुछ था वो भी बताएंगे। और इस वक्त देखिए बड़ी खबर आ रही है नवादा की घटना पर। जीतन राम मांझी की तरफ से एक बड़ा आरोप जो है वो लगाया गया है। यादव समाज के लोगों पर जीतन राम मांझी ने ये आरोप लगाया है कि दलितों के खिलाफ दलितों को ही आगे किया गया। घटना के पीछे यादव समाज के लोग जो है वो शामिल है, और कार्रवाई इसीलिए इस रूप में होनी चाहिए। यादव समाज ने दलित समाज को, कार्रवाई जब हो तो इनको सबसे पहले इस पर दोषी कार्रवाई होनी चाहिए। और क्या कुछ कहा है जीतन राम मांझी ने, जरा वो सुन लीजिए। नवादा में मुसहर और चमार जाति के लोग वहाँ पर रहते थे, एक ऐसी ज़मीन पर जिस पर गिद्ध दृष्टि लगी हुई थी भूमाफियों का। वो लोग चाहते थे कि इन लोग यहाँ से भाग जाए, ताकि उसका प्लॉटिंग करके हम उसको बेचें, अच्छे दाम पर बेचें। उसमें बेशक कुछ दुसाध जाति के भी लोग रह रहे थे, उसमें दुसाध जाति को कुछ लोगों को मिला करके, वो जो विरोधी दल के लोग थे वो मिला करके आक्रमण किया,
ता उनको सेशन दिया गया होगा कि सबको उजाड़ दो, तुमको हम जमीन देंगे वहाँ पर, इसलिए तुम हमको साथ दो। और एक दो दूसरा जाति के लोग थे, उन्होंने साथ भी दिया और वहाँ पर कम से कम 1.5 दर्जन घरों में आग लगा दिया, जिससे कुछ लोग घायल हुए हैं, इलाजरत हैं और घर जल करके पूरा राख हो गया है। और वहाँ पर 12 लोग अरेस्ट हुए हैं, उसमें सभी एक जाति के लोग हैं जो अरेस्ट हुए हैं। इसी से साबित होता है कि एक जाति के लोग ही हमारे शेड्यूल कास्ट के कुछ लोगों को मिला करके एक घटना का अंजाम दिया गया है। तो केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि या तो समाज ने कुछ दलित समाज के लोगों को ही आगे कर ये पूरी घटना और साजिश रची जिसमें लोगों के घरों को जला दिया गया। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है जीतन राम मांझी पर, लालू प्रसाद की तरफ से जोरदार बयानों के जरिए हमला किया गया है। यादव को जिम्मेदार ठहराने पर लालू प्रसाद ने प्रतिक्रिया दी है, मांझी दिग्भ्रमित कर रहे हैं। ये बयान जिस तरीके से जीतन राम मांझी का पहले आता है, अब पहले ये जरा सुनिए कि क्या कुछ पलटवार करते हुए लालू प्रसाद ने जीतन राम मांझी पर बयान दिया है। तो देखिए अब सियासत किस कदर इस वक्त इस पूरी घटना के बाद बयानों के जरिए शुरू हो चुकी है। पहले जीतन राम मांझी का बयान आता है कि एक खास जाति के लोगों की तरफ से पूरी साजिश रची गई, पलटवार करते हुए लालू प्रसाद का बयान आ जाता है और अब मनोज झा का मांझी पर हमला बयानों के जरिए। मांझी मानसिक संतुलन इस वक्त खो बैठे हैं, बिहार में जंगल राज है, मनोज झा की तरफ से हमला किया गया बयानों के जरिए। जरा सुनिए क्या कुछ कहा है मनोज झा ने। और जिसमें दलितों के घर जलाए, गोलीबारी, दबंग लिखा जा रहा है कई टेलीविजन चैनल में, एक तरफ दलित दूसरी तरफ ये दबंग, ये पृष्ठभूमि क्या होती है, शून्य बनाकर के बात हो रही है। कहाँ है बाकी मंत्रीगण, जंगल राज कहेंगे कि नहीं कहेंगे, दैत्य राज कहेंगे या नहीं कहेंगे, राक्षस राज कहेंगे या नहीं कहेंगे। जीतन राम मांझी कह रहे हैं यादव समाज के लोग जो है 12 लोग पकड़े गए हैं और उसे समाज विशेष की या खास पार्टी विशेष से भी जोड़ रहे हैं। देखिए उन लोगों का है, मुझे दुख है कि आप ये सवाल नहीं, मांझी जी कह रहे हैं इसलिए हमने पूछा। अगर मांझी जी कह रहे हैं तो इसका मतलब संतुलन खराब है। मांझी के बयान पर इस वक्त सियासत शुरू हो चुकी है, किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है जरा वो भी सुनिए। सिर्फ जीतन राम मांझी जी ने ठीक ही चिंता व्यक्त की है कि पहले राजद के लोग दलितों पर अत्याचार करते हैं और फिर उसको मुद्दा बना करके सरकार को घेरने का काम करते हैं और यही काम नवादा की घटना में हुई है। श्री जीतन राम मांझी जी जो चिंता व्यक्त किए हैं वो ठीक चिंता व्यक्त किए हैं, राजद मतलब राजसी प्रवृत्ति जलादी संस्कृति और दलित अत्याचार करने वाला दल है। देखिए जीतन राम मांझी भारत सरकार के मंत्री हैं, एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं और गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, ये कहीं से उपयुक्त नहीं है। जिस तरह से नवादा की घटना हुई, लोमहर्षक, हृदय विदारक, उस घटना पर इनको कहीं अफसोस नहीं है और जिस तरह से इस घटना को राजनीतिक रूप से ये लोगों के बीच कहीं ना कहीं प्रस्तुत कर रहे हैं, कहीं से उचित नहीं है। देखिए आदरणीय जीतन राम मांझी जी का कुछ दिनों से थोड़ा सा अनाप शनाप बयान आ रहा है। एक तो उनको उम्र का भी फर्क पड़ता है, उम्र में भी अगर उम्र थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो थोड़ा सा लोग जो है अलबल बोलते हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो उनको पूरा हाईजैक कर रही है और हाईजैक करके बीजेपी की भाषा वो बोल रहे हैं। और न्याय और कानून और कानून व्यवस्था का प्रश्न है ये, इस कानून व्यवस्था के प्रश्न को लोग जातिगत रंग देने की कोशिश कर रहे हैं जो उचित नहीं है। सच्चाई ये है कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है, अपराधी अपराधी होते हैं। आपके यहाँ से कानून व्यवस्था चला जा चुका है, आप किसी भी चीज़ की परवाह नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। कोई सूचना मिली
तुरंत प्रशासन वहां घटनास्थल पर पहुंची और हालात को अपने काबू में कर लिया। और सब ईश्वर की बहुत ही मैंने सुखद है कि वहां पर कोई ऐसी किसी की जान मान की क्षति नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इस घटना को अंजाम देने वाले लगभग 12 से 13 लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है और आगे भी कार्रवाई जारी है। नीतीश कुमार नवादा की इस घटना के बाद अब प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन पुलिस की तरफ से जो आधिकारिक बयान आया वो बयान क्या है जरा वो भी सुनिए, क्योंकि इस वक्त कार्रवाई के तौर पर 12 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। 18 सितंबर की शाम ये जो अगलगी की घटना होती है जिसमें घरों को खाक कर दिया जाता है, सारे सामान घर के जल के रख हो जाते हैं। पुलिस 15 से 20 मिनट में हालांकि मौके पर पहुंच गई। पुलिस का यह दावा है कि वो वहां पर घटनास्थल पर 15 से 20 मिनट में पहुंच गई थी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू भी तत्काल प्रभाव से पाने का प्रयास शुरू कर दिया था। डीएम और एसपी ने मौके का जायजा लिया और घटना को लेकर तमाम जानकारियां जो हैं वो इकट्ठा की गई। पुलिस रात भर इस ग्राउंड जीरो पर गश्ती करती रही ताकि कहीं से कोई दूसरी अप्रिय घटना ना होने पाए। एसपी ने विशेष टीम का गठन किया ताकि जांच को और द्रुत गति से आगे बढ़ाया जा सके। डीएम और एसपी तो मौके पर पहुंचे ही हुए थे। एसपी ने विशेष टीम का जब गठन किया तो मुख्य आरोपी नंदू पासवान की गिरफ्तारी कर ली जाती है। ये वो शख्स है जो मुख्य आरोपी है, ये इस वक्त पुलिस के गिरफ्त में है। नंदू सहित 15 अन्य आरोपी पुलिस के गिरफ्त में आ भी चुके हैं। नंदू सहित 15 आरोपियों की गिरफ्तारी होने के बाद से अब क्या कुछ बरामद हुआ देखिए। 3 देसी कट्टा और खोखा इनके पास से जब्त होता है, जो बताया जा रहा है कि पेट्रोल के साथ पहुंचे थे, हथियारों के साथ ये लोग पहुंचे हुए थे। 1995 से लंबित जमीन विवाद का ये पूरा का पूरा मामला है जिस पर ये पूरी की पूरी कार्रवाई हुई। और बताया ये जा रहा है कि कोशिश यही की जा रही थी कि यहाँ पर लोगों को डराया और धमकाया जा सके और भड़काया जा सके। और इस वक्त देखिए बड़ी खबर आ रही है, मुख्यमंत्री ने लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा की है। नवादा की इस घटना के बाद से अब लॉ एंड ऑर्डर जो कि सबसे बड़ा विषय इस वक्त बिहार के लिए भी बन जाता है, सीएम नीतीश कुमार की तरफ से जरूरी निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने क्या निर्देश दिया है, स्थिति पर निगरानी रखने के निर्देश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से दिए गए ताकि यहां पर अब ऐसी घटना न तो नवादा में हो और ना ही दूसरे किसी जगह पर हो। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री की तरफ से अधिकारियों को यह साफ निर्देशित कर दिया गया है कि भाई आप एक्शन मोड में रहिए। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर नवादा रवाना हो चुके हैं, दोषियों को नहीं बख्शने का सीएम की तरफ से एक साफ और सख्त निर्देश जो है और आदेश जो है वो दे दिया गया है। सीएम ने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था को हाथ में किसी को लेने नहीं दिया जाएगा। मामले में अब तक 15 लोगों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। तो नवादा में दलित बस्ती में आग लगाने के बाद देखिए सियासत उतनी ही तेजी से चलती हुई दिख रही है। आरजेडी और कांग्रेस नीतीश सरकार पर निशाना साध रहे हैं तो बीजेपी और जेडीयू का यह कहना है कि दोषियों को बख्शा किसी भी सूरत में नहीं जाएगा। अब तो दलितों को 80-80 घर जला करके डर और भय का दहशत कायम किया जा रहा है, लेकिन राज्य में सुशासन की सरकार है, नीतीश कुमार जी की सरकार है, एनडीए की सरकार है। इस सरकार में किसी गरीब को डरने की जरूरत नहीं है, कानून उनके साथ खड़ा है, कोई गरीब डर नहीं सकता। जो भी मुजरिम होगा उसको जेल के सलाखों में यह सरकार भेजने का काम करे। नवादा के कृष्णा नगर की जो दुखद घटना है, प्रथम दृष्टया में भू विवाद का मामला है। प्रशासन को जो ही जानकारी मिली 20 मिनट के अंदर प्रशासन घटनास्थल पर पहुंच गया। अब तक जो प्राप्त जानकारी है उसके अनुसार कोई इंजूरी की सूचना नहीं है। स्थानीय तौर पर मजिस्ट्रेट को तैनात किया गया, पुलिस बल की तैनाती है। सामाजिक समरसता बिगाड़ने की कोई कोशिश करेगा या कतई मंजूर नहीं। और 13 लोगों की अब तक गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। प्रशासन मुकम्मल कार्रवाई के लिए मुस्तैद है। नवादा में कल शाम जिस तरह से दलित भाइयों के 100 से ज़्यादा घरों में दबंगों ने आग लगा दी है, आखिर ये बिहार में हो क्या रहा है? एक सरकार बेफिक्र है, बेखबर है। नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने ठीक ही कहा है, ये महाजंगल राज, महादानव राज, महाराक्षस राज आ गया है बिहार में। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी और एनडीए सरकार में बैठे लोग अब इस राज को किस संज्ञा से नवाजेंगे? ये क्या हो रहा है बिहार में? देखिए, मैं इसको
ऐतिहासिक कड़ी में देखता हूं। दलित समाज, गरीब समाज प्रताड़ित किया जाता है। सरकार की दोहरी जिम्मेदारी बनती है और हमेशा बनती है, सरकारें किसी की हों, और यह सरकार तो हमको पता है कि दलित विरोधी है। जिम्मेदारी बनती है कि अगर जरा सा भी डिस्प्यूट की भनक मिलती हो तो वहां पर पहुंचा जाए, वहां पर पुलिस की कड़ी व्यवस्था की जाए, प्रशासनिक तत्व को लादा जाए। वहीं नवादा की घटना पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने बिहार सरकार पर जमकर हमला किया है। अखिलेश सिंह ने कहा कि दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। काम हुआ है मानवता के नाम पर, मानवता को कुचला गया है, खास करके दलित बिरादरी को। आज ही कांग्रेस की टीम जा रही है उन लोगों को, सब हम अपने जिला कमेटी को मैंने कहा है कि जाके वहां ये करिए, और एक कमेटी भी जाके हम बना के और तुरंत रवाना कर रहे हैं। मनोज राम जी, राजेश राम जी उसमें सब ये होंगे, मेंबर हैं, और वो जाके जांच करेगी। और सरकार से हम मांग करते हैं कि ऐसे जो भी दरिंदे लोग हैं जो इस घटना में शामिल हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। एक सवाल और है, एक देश एक चुनाव। तो नवादा की घटना पर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन की प्रतिक्रिया भी सामने आई। राजीव रंजन ने कहा कि दलितों को भयभीत होने की जरूरत नहीं है, सरकार कानूनी कार्रवाई करेगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। नवादा की घटना निसंदेह दुर्भाग्यपूर्ण है। घटना की जैसे ही जानकारी मिली उच्च पदस्थ पुलिस पदाधिकारियों ने वहां कैंप करना शुरू कर दिया है, अनेक गिरफ्तारियां हुई। सद्भाव हम नहीं बिगड़ने देंगे और दलितों को जरा भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होना है वो होगा और इसके लिए जवाबदेह तत्व कतई बक्से नहीं है। नवादा की घटना को लेकर चिराग पासवान ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। चिराग पासवान ने घटना को शर्मनाक बताते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। दुखद है, उतनी ही निंदनीय और शर्मनाक भी है। मैं राज्य सरकार के संपर्क में हूं। पहले इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि जितने घायल हैं, जितने घर जो इससे प्रभावित हुए हैं, पहले उनको रिहैबिलिटेट किया जाए, उनके पुनर्वास की उचित व्यवस्था की जाए, घायलों का इलाज कराया जा सके, ताकि कोई दुखद घटना इससे जुड़ी हुई और आगे ना हो सके। साथ ही में जितने दोषी हैं जी, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ये भी विश्वास मैं आपके माध्यम से अपने लोगों को दिलाना चाहता हूं। तो नवादा में दलित बस्ती में आग लगने के बाद वहां की जो स्थिति है वो अपने आप भयावह साफ नजर आती है। पुलिस और प्रशासन की टीम लगातार इस इलाके में कैंप कर रही है। जानकारी के मुताबिक करीब 21 घर आग में जलकर पूरी तरह से खाक हो गए और करीब 24 मवेशी झुलस गए हैं। ग्रामीण पूरी तरह से डरे नजर आते हैं। लोगों के रहने और खाने का सारा सामान इस आग में जलकर खाक हो चुका है। घटना के बाद देर रात से ही इलाके में छापेमारी भी की जा रही है। अभी तक 15 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। सूचना के अनुसार पुलिस ने खोखा भी यहां से बरामद किया और पूरे इलाके में प्रशासन की टीम पीड़ितों को राहत और मदद भी पहुंचा रही है। प्रशासन ने पूरी घटना के पीछे जमीन विवाद को वजह बताया। तो दलित बस्ती में आग लगने की घटना के बाद से राहत का काम इस वक्त भी जारी है और हम आपको 5 तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। शाम करीब 7 बजे की घटना जब इस दलित बस्ती में आग लगाई जाती है, दबंगों के पर आग लगाने का आरोप लगता है। 15 लोगों की हालांकि कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। हादसे में किसी की जान का तो नुकसान नहीं हुआ, कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन लोगों के सामान, घर सब कुछ जलकर खाक हो चुके हैं। खाने पीने की परेशानी इनके सामने जरूर है, रहने की दिक्कत जरूर है और फिलहाल पुलिस की तरफ से इन्हें भरोसा और मदद दोनों पहुंचाए जा रहे हैं। तो नवादा की जिस महादलित टोले की जमीन पर पासवान जाति के लोग अपना कब्जा जमाना चाहते थे, वो जमीन जो है वो रैयती है। नवादा के SDM अखिलेश कुमार ने न्यूज 18 को इस बात की जानकारी दी। इस जमीन का विवाद कोर्ट में विचाराधीन भी है।
अरे वो किसकी जमीन है और जो घटना हुई है क्या जमीन रहती जमीन है सर, उस पर माननीय न्यायालय में भूमि विवाद की चल से उस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होता है। लेकिन कहा जा रहा है कि जो दूसरे टोले के लोग हैं उन लोगों ने यहाँ आग लगाया है आकर के और जमीन पे कब्जा जमाना चाहते हैं। इन लोग के द्वारा जो चिन्हित किया गया अपराधी जो भी जलाने वाले का उनको हम लोग पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की गई है। अब तक 15 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पहले भी फायरिंग हुई है, लोगों ने बताया है, तो उस घटना के बाद भी प्रशासन क्यों सोई हुई थी? फायरिंग की कोई सूचना नहीं है, पहले भी छोटी मिनट लड़ाई हुआ था तो उसमें प्रथम दृष्टिया में रहती जमीन का मामला रहा, बाकी हम लोग देख रहे हैं कागज पूरी तरह, जो अंचल कार्यालय है उस पर अधिकारी देख रहे हैं और उस पर भूमि सुधार क्षमता भी देख रहे हैं, उस पर जो भी निर्णय होगा। तो पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, 15 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन सियासत है कि थमने का नाम ही नहीं लेती। एक छोटा सा अंतराल फौरन होंगे वापस।